तो अब थ्रो चेक करेंगे तो आप सीधा देख सकते हैं थ्रो का डिफरेंस। कॉन्फ़िगरेशंस में बात करेंगे तो ये भी 2400 वाट है, ये भी 2400 वाट है। अगर बात करें इन दोनों की गन्स की भी, तो ये लीजिए इस तरह की फॉर्म बनेगी। तो टूल्स के कोर वीडियो में आपका स्वागत है। तो काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी कि कंपैरिजन वीडियो बनाओ किसी दो कार वॉशर में, तो अपने चैनल पे हमने दोनों ही आपको पहले दिखाए हुए हैं, तो उन्हीं का आज कंपैरिजन करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने की थी जिसमें वर्किंग भी दिखाई थी हमने एलिफेंट प्रो मॉडल की, तो उसका, और एक हमने पहले वीडियो की थी हेस्टिंग्स की, तो उसका, दोनों का आज कंपैरिजन भी बनाएंगे, अच्छे से कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको मशीनरी, टूल्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज वाली वीडियो में। तो भाई ये है वो दोनों प्रोडक्ट, तो दोनों की हमने ना वीडियो इन दोनों की अपने चैनल पे पहले भी डाली हुई है। तो हेस्टिंग्स का ये प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ अपने घर पे पर्सनल, तो ये अभी मेरे पास 1 महीना हुआ है इस प्रोडक्ट को भी। तो आज दोनों का कंपेरिजन बनाएंगे, फेयर कंपेरिजन करेंगे। बेसिकली दोनों का कंपेरिजन तो है नहीं, क्योंकि इसका, अगर हेस्टिंग्स का हमने कंपेरिजन करना है ना, तो इसका एक गोल्ड सीरीज़ में आता है, प्रो से नीचे होता है, तो उससे कर सकते हैं। पर अभी मेरे पास तो ये दो हैं, तो दोनों का ही कंपेरिजन बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बात करेंगे बॉडी शेल की। तो भाई इसका जो बॉडी डिज़ाइन है ना, बिल्कुल यूनिक है, एक नया डिज़ाइन है। और ये वाला जो डिज़ाइन है, ये रैंडम आर्म जितने भी अपने हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। दोनों ही कॉपर के मॉडल हैं, इनकी मोटर्स दोनों की कॉपर की हैं। इसका बॉडी शेल और मोटर काफ़ी हैवी ड्यूटी है, इसमें थोड़ी लाइट है। कॉन्फ़िगरेशंस में बात करेंगे तो ये भी 2400 वाट है, ये भी 2400 वाट है, पर एक्चुअल में भाई ये 2400 वाट होगा नहीं, ये 2100-2200 वाट के आसपास होगा। इसका जो थ्रोइंग प्रेशर है वो है 260 बार का थ्रोटल से, इसका जो प्रेशर है थ्रोटल से वो 138 बार का है। बाकी दोनों में ही अपने को इसमें वाटरप्रूफ स्विचेस मिल जाते हैं, इसमें वाटरप्रूफ स्विचेस मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी कॉर्ड की। ये है इसकी एक वायर का कंपैरिजन। वो जो आप बड़े वाली वायर देख रहे हैं वो है इस मॉडल की, एलिफेंट की, ये है हेस्टिंग्स की। तो ऑलमोस्ट डबल है उसकी वायर। और अब यहाँ पे ना हॉज पाइप की क्वालिटी की बात करते हैं, तो इसका हॉज पाइप थोड़ा लाइट है एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है। तो ये लिखा भी है इन्होंने, हाइड्रोलिक हॉज पाइप है SAS में, तो ये नॉर्मल जो हॉज पाइप आती है वो है। वैसे ही इनके प्राइस में भी फ़र्क है, ये 4500 के अराउंड आता है और ये है 6000 रुपये का। अगर बात करें इन दोनों की गन्स की भी, तो भाई इसकी जो गन है ना वो थोड़ी इससे हैवी है, बट ऑलमोस्ट अगर क्वालिटी का फ़र्क देखें तो 19 और 20 का ही डिफरेंस है। इसको मेरे को इस्तेमाल करते 2 साल हो गए हैं, मेरे को अभी तक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, तो ये तो है ही प्रो है। अभी हम बात करेंगे इनकी वाटर थ्रोइंग की। तो भाई ये जो है ये हेस्टिंग्स की गन है और मेरे राइट हैंड में जो है वो एलिफेंट प्रो की है। तो अब थ्रो चेक करेंगे तो आप सीधा देख सकते हैं थ्रो का डिफरेंस, ठीक है। इसका थ्रो कितना है, तो मेरे हिसाब से इसमें तो भाई जीत रहा है ये। अभी हम बाकी बेसिक फीचर इनमें भी वही हैं, इसमें भी आप वो वाली गन लगा सकते हैं, तो आप चाहें तो इसमें फॉर्म वॉश है उसको भी लगा सकते हैं। और थ्रोइंग पावर में अभी तक एलिफेंट आ गए है, जो मैंने पहले भी बताया। तो अभी एक आपको देता हूं मैं डेमो पहले हेस्टिंग्स से। 20 का प्रेशर इस तरह से रहता है। तो भाई ये हम मिट्टी निकाल रहे हैं फेंडर में से, ये अराउंड 1 मिनट में 300 लीटर पानी फेंक सकता है। अगर एलिफेंट की बात करें तो भाई वो 460 के अराउंड पानी फेंक सकता है। तो अभी मैंने जो गन उठाई है वो उठाई है एलिफेंट ब्रांड की। प्रोडक्ट का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूँ, ये कोई पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई, कंपैरिजन है, तो इस तरफ भी है। जो पावर है ना इसकी थ्रोइंग की बहुत ज़्यादा हैवी है। अगर हेस्टिंग्स से बात करें, यहाँ देखें भाई ये तो मिट्टी उधेड़ रही है, उधेड़, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भाई कैसे निकाल रही है ये कचरा। इनके ना पाइप की लेंथ तो जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, पर इसकी जो वाटर इसकी पावर है ना, जो थ्रोइंग पावर है टोटल से, और बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं तो एक बार में भाई इसने तो मिट्टी सारी चकाचक साफ कर दी है। तो वही कनेक्टर भाई एक लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, अभी हम इस पे लगाएंगे फॉर्म गन। किसी भी गन पे इसको लगाना सेम प्रोसेस ही है। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया है कनेक्ट, इसमें क्विक रिलीज़ होता है तो बस डाला और ये लग गया। तो लास्ट वीडियो में भाई कमेंट आए थे कि बाइक पे तो इतना अच्छा पता नहीं लगा, भाई गाड़ी पे फेंक के दिखाओ। तो ये लीजिए, इस तरह की फॉर्म बनेगी भाई। तो एलिफेंट प्रो में भाई अपने को ये साथ में एक्सटेंशन भी मिल जाती है, लागू उन यूनिटों में जी जाती है ये, बट उसमें अपने को एडिशनल लेनी पड़ेगी, इसमें अपने को साथ में ही मिलती है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइट कर लेंगे, टाइट करने के बाद वही सेम प्रोसेस है, इस तरफ भी हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये कई गनों में ना दो तरह के आते हैं, इसमें अंदर में चूड़ी है और जो दूसरी गन है उसमें बाहर में चूड़ी है। तो अभी मैं आप दोनों को प्रेशर दिखाता हूँ। तो आप प्रेशर देख सकते हैं भाई, इसमें तो मेरे को कम करना पड़ेगा। और आप अभी फ़र्क देखें, यहाँ पे दोनों के प्रेशर में डिफरेंस देखें कितना है। और मेरे हिसाब से एलिफेंट प्रो में तो आपको कपड़ा देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी गाड़ी पे, इसका प्रेशर इतना है। और ये देखें ये प्रेशर कितना है। तो भी एक बार सारी गाड़ी को क्लीन कर लेते हैं। एक्सटेंशन रॉड का बेनिफिट अपने को ये होता है कि अपर में भी काम करना है ना, तो बड़ा इजीली आप इस तरह से काम कर सकते हैं। और लंबी रॉड का मज़ा ये है कि आप यहाँ से नीचे कहीं पे भी इसको घुसा के क्लीनिंग कर सकते हैं भाई, बड़ी आसानी से, बड़ी मज़ेदार क्लीनिंग होगी। और मेरे हिसाब से तो यार अपने दिल को छुआ है एलिफेंट। ये था आज का वीडियो, तो जिसमें हमने कंपैरिजन किया है दो ब्रांड्स का, हेस्टिंग्स एलिफेंट प्रो का। तो वैसे तो बेसिकली दोनों में मुकाबला कोई नहीं है, क्योंकि अगर हेस्टिंग्स का हमने कंपैरिजन करना है तो एलिफेंट का एक गोल्ड मॉडल आता है तो उससे करेंगे, बट वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने प्रो के साथ ही उसका कंपैरिजन कर दिया। तो उसमें नेचुरली है कि हेस्टिंग्स थोड़ा पीछे रहना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी तरह के टूल्स के किसी और वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ मनदीप सिंह।